हमारा तेलंगाना सरकार एक डबल बेडरूम का स्कीम लेके आया, उनके नाम से ये कुनम रेड्डी किरण कुमार रेड्डी पटांचेरुवु रहने वाला है और नेटिव दूवुरु विलेज बुचिरेड्डीपालेम नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का नेटिव प्लेस है। वो बहुत सारे लोगों को चीट किया, उनसे 15,000 से 50,000 तक पैसा लेके, मैं रीजनल मैनेजर हूँ सर्वे ऑफ इंडिया में, मुझे बहुत कॉन्टैक्ट है और सर्वे ऑफ इंडिया रिकमेंड करे से लोगों को ही डबल बेडरूम मिलता करके बहुत सारे लोगों से पैसा लिया है। सो हमारे पास 5 केसेस अरेस्ट हुआ, दुंडीगल, माधापुर, आरसीपुरम और चंदानगर में। सो आज हम उसको अरेस्ट करके उनसे 8.35 लाख रुपीज़ रिकवर किया और एक बाइक भी रिकवर किया। ये पहले भी एक ऑपरेशंस मैनेजर करके एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया और लास्ट 8-9 महीने से ये चीटिंग कर रहे हैं। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा सरकार का ये स्कीम बहुत ट्रांसपेरेंट है, सब लोगों को देख सकते हैं कि एक अप्लीकेशन वो लोग मी सेवा में अप्लाई करना, जो जिसके पास भी घर नहीं है, जिसके पास भी लैंड नहीं है और बीपीएल फैमिलीज है और कोई सपोर्ट नहीं है, वो लोग अप्लाई करना। ये अप्लीकेशन को तहसीलदार रिव्यू करेंगे और रेकमेंड करेंगे, रेकमेंड करके ज़्यादा अप्लीकेशन आए तो उनको लॉटरी के सिस्टम के द्वारा ये अप्लीकेंट्स को सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्ट होने के बाद भी ये कमेटी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा, कंसर्न एमएलए रहेगा और कंसर्न इंचार्ज मिनिस्टर भी रह के ये फाइनल लिस्ट करेंगे। सो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी स्कीम कोई भी सरकार का कोई स्कीम बहुत ट्रांसपेरेंट है, किसी का बात मत सुनना और चीट नहीं होना करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सर ये जो राजेंद्र 444 नहीं तो 100 को कॉल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये काम तो मीठा और राजनगर में बात करके राजनगर कोतापल्ली मैं इंक्वायर करूँ।